हेलो दोस्तों, आज का इस वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। आज नया D2S सेटअप बॉक्स फ्री वाला दोस्तों बना के दिखाएंगे। तो यहाँ हमारे पास लीड है, पावर वाली सप्लाई कार्ड है हमारे पास, और एक नेटवर्क कार्ड है। तो इसे इन सब चीज़ों को लगा के दिखाएंगे, नया सेटअप बॉक्स बना के दिखाएंगे फ्री वाला। तो बनाने वीडियो पर चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो को हमने स्टार्ट कर लिया। फ्रेंड देख सकते हैं हमारे पास एक बॉडी है दोस्तों, इसमें पैनल लगा हुआ है, एक प्लास्टिक की बॉडी है। ये हमारे पास मेन लीड है दोस्तों, जो कि पावर लीड है, इससे हम सप्लाई देते हैं। तो इस मेन लीड को लगाएंगे हम। सबसे पहले हम इसके होल में से इसे निकाल के एक गांठी मार के रोक लेते हैं दोस्तों। और इस चैनल पे रिपेयरिंग से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिलती रहती हैं, चैनल को एक बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो हम इस तरीके से इसे बांध लेते हैं, ठीक है। अब इसका सबसे पहले हम लगाएंगे सप्लाई कार्ड। तो सिंपली इसका सप्लाई कार्ड लगाएंगे। सबसे पहले हम देख सकते हैं, सबसे पहले सप्लाई कार्ड लगा लेते हैं। तो कार्ड को घुमा कर रखना है, जैक को हमें उस साइड रखना है, पीछे की साइड, जिससे हमारा नेटवर्क कार्ड में आराम से लग जाए दोस्तों। और नेटवर्क कार्ड हमारा इस तरीके से आएगा दोस्तों। उसमें हम एक जैक का पेज लगाएंगे और एक उसका दोस्तों डिस वाले कनेक्टर का पेज लगाएंगे। तो हम इस कार्ड को लगा लेते हैं, इसके पेज थोड़ा सा वीडियो हल्का सा स्किप कर देता हूँ मैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो हमने दोनों पेज लगा लिए दोस्तों, और सिंपल इसकी शोल्डिंग कर लेते हैं हम शोल्डर आयरन की मदद से। और उससे पहले हम कर लेते हैं इसके पेज कस लेते हैं दोस्तों, इस वाले कार्ड के भी, क्योंकि इसमें हमें शोल्डिंग नहीं करनी, इसमें हमें केवल जैक लगाना है। तो उसके हम जो हमारा नट है कस लेते हैं बड़े तरीके से, देख सकते हैं आप लोग, इस नट को कस लिया हमने बड़े तरीके से टाइट करके। और अब एक सिंपली पेज लगा लेते हैं जैक का, जो कि ऑडियो वीडियो का जैक का पेंच है दोस्तों। तो उसको भी हम टाइट कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जिससे हमारा कार्ड हिले ना निकले ना दोस्तों, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, अब इसके जैक को भी लगाएंगे हम सिंपली। तो उससे पहले करेंगे हम शोल्डिंग। सबसे पहले इस पत्ते को लगा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पत्ता हमारा दिक्कत कर रहा है, थोड़ा सा ऐसे दबा कर लगा लेता हूँ मैं। तो दबा लिया हमने इस तरीके से, और सिंपली इसे नेटवर्क कार्ड में लगाएंगे। पिन को देख के लगाना है, कोई पिन टेढ़ी ना हो दोस्तों, बिल्कुल सही तरीके से लगाना है जैक को बैठा कर। और अब हम सप्लाई कार्ड के जैक को भी लगा लेते हैं दोस्तों, जो कि देख सकते हैं ये वाइट वाला हमारा सप्लाई कार्ड का जैक है। तो उसे लगाएंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, अभी लगाते हैं, ये वाला हमारा जैक है। तो किस तरीके से लगाना है ये ध्यान रखना दोस्तों, जिसमें कोने बने हुए हैं दोनों साइड, वो हमें सामने की तरफ रखना है इस तरीके से। और लगा लेते हैं जैक को, वायर को थोड़ा सा अंदर कर देता हूँ मैं। और अब कर लेते हैं इसके कनेक्शन हम लोग। तो सबसे पहले हम इसके वायर लगा लेते हैं शोल्डिंग करके दोस्तों, जिससे हमारा ये दोस्तों चेक करके दिखा सकें आपको किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो हमारा जो सफ़ेद वाला जो कनेक्टर है, यहाँ पर दो पिने हैं, इसमें हम सिंपली शोल्डिंग कर देंगे। और हम चाहें तो उसमें स्विच भी लगा सकते हैं, बट हम इसमें स्विच नहीं लगा रहे हैं ऑन ऑफ का, जो कि हमारा बैक साइड लगेगा, सामने जगह खाली आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा वीडियो को मैंने पास कर लिया, ताकि आपको दिखा सकूं कि शोल्डिंग हमारी किस तरीके से किस जैक में कर रहे हैं दोस्तों। तो इन पिनों पे हम सबसे पहले शोल्डर आयरन की बस हल्की सी शोल्डिंग कर लेते हैं, ताकि हमारा वायर लगने में कोई प्रॉब्लम ना हो दोस्तों, टाइम ना लगे। तो सबसे पहले इन पिनों पर शोल्डिंग कर लेते हैं, उसके बाद इस वायर पर शोल्डिंग कर लेते हैं। और पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा सा, जिससे हमारा वायर शोल्ड हो जाए। तो हमने लगा लिया है पेस्ट, और पेस्ट लगाने के बाद रंगा लेते हैं दोस्तों, जो कि शोल्डर आयरन का, और वाले वायरों को हम कर लेते हैं शोल्ड दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। ब्लैक वाला वायर हमने शोल्ड कर लेते हैं, उसके बाद करेंगे हम रेड वाला। तो हमारा ब्लैक वाला हो चुका है, रेड वाला भी कर लेते हैं इसी तरीके से, देख सकते हैं। तो दोनों वायर अच्छे तरीके से शोल्ड करेंगे हम, जिससे हमारा वायर दोस्तों लिख लेना ये, अगर वायर उखड़ जाएगा बार बार तो हमारा ये बहुत दिक्कत करेगा। हमने लगा लिया अच्छी तरीके से। अब ये सिंपली पावर देके एक बार चेक कर लेते हैं हम कि इसमें सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है। तो हम लगा लेते हैं सीरीज में, सीरीज में ही चेक करना है दोस्तों हर चीज़ हमें। तो सीरीज में लगा लिया हमने इसका प्लग, और दोस्तों इसमें देख लेते हैं पावर आएगी या नहीं आएगी दोस्तों। तो दोस्तों सही से लगाता हूँ मैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लगा के चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं पावर आ चुकी है हमारी। और अब हम लगा लेते हैं सिंपली से, टीवी में कनेक्ट कर लेते हैं। इसके पीछे डिस्क का वायर लगा के, ए बी पिन लगा के इसे टीवी में कनेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। छोटा सा टीवी है हमारे पास ब्लैक एंड वाइट चेक करने के लिए, तो उसमें कर लेते हैं कनेक्ट। थोड़ा सा पास से आपको सिंपली तरीके से दिखा सकता हूँ। ये हमारी देखो दोस्तों लाइट जल रही है, 15 नंबर इसमें चैनल आ रहा है। और अगर पैनल से मैं आगे पीछे करता हूँ तो आगे पीछे भी होते हैं दोस्तों, आगे पीछे भी हो रहा है। अब इसे लगा लेते हैं, डिस्क का वायर लगा के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी वाली पिनें लगाएंगे, उसके बाद डिस्क वाला वायर लगा लेते हैं हम। और टी वी को हमने ऑन कर लिया है, तो सिंपली हमारे जो चैनल होंगे इसमें आ जाएंगे, चल जाएंगे दोस्तों। तो कर लेता हूँ मैं टी वी की तरफ, दिखा लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले डिस्क वाला कनेक्शन हमने कर दिया है, चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये पिनें हमारी लग चुकी हैं। और हम इस लाइट को भी दिखा देते हैं दोस्तों, जो हमारी बॉक्स में आ रही है।
और देख सकते हैं आप लोग टीवी हमारी चल चुकी है दोस्तों, स्प्लैश वर्क कर रही, थोड़ा रिलिंग कर रही कैमरे को, जैसे कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। देख सकते हैं आप लोग बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है, वो सही फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है। चैनल हम चेंज कर रहे हैं तो चैनल हमारे चेंज भी हो रहे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड। थैंक फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।